चावल घोटाले की जांच रफ्तार हुई धीमी, मामले को रफा दफा करने की हो रही कोशिश, ईओडब्ल्यू की टीम ने नहीं की राइस मिलों पर एफआईआर। पुलिस की गोली पर शिकार हुआ है झाम सिंह, नक्सलियों ने पर्चे फेंक कर किया उल्लेख, झाम सिंह की मौत और बादल की गिरफ्तारी को बताया कायराना हरकत। और किसान विरोधी बिल को लेकर युवा कांग्रेसियों ने पीएम का फूंका पुतला। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हलधर द्वारा बालाघाट और मंडला जिले में कस्टम मिलिंग के माध्यम से उपार्जित किए गए चावल को जिन गोदामों में भंडारित किया गया था उनकी जांच की गई और भंडारित किए गए चावल के नमूने लेकर उनका प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया गया था। राइस मिलर्स और आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने गुणवत्ता निरीक्षकों की सांठगांठ और कमीशनबाजी प्रति लाठ 5,000 से 8,000 रुपए लेकर कस्टम मिलिंग के माध्यम से जानवरों को खिलाए जाने वाले स्तर का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कर दिया है। इस मामले के उजागर होने के बाद आर्थिक अपराध जांच शाखा द्वारा जांच कराए जाने की सरकारी घोषणा की रफ्तार थम सी गई है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। पिछले 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बालसमुंद पानी निवासी झाम सिंह धुर्वे की मौत पुलिस की गोली से हुई है। इस बात का उल्लेख नक्सलियों ने पर्चे फेंक कर किया है, जहां नक्सलियों ने फेंके हुए पर्चों में बताया है कि पुलिस अपने काराना हरकतों को छिपाने के लिए उसे नक्सली मुठभेड़ बता रही है। तदाशय के संदर्भ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा उसी क्षेत्र से लगे जयरासी देवगांव पंडारपानी निक्कुम गांवों के आसपास जंगलों में पर्चे चिपकाए हैं, जहां पर्चे में उन्होंने उक्त घटना की घोर निंदा करते हुए भी उल्लेख किया है। माओवादियों के द्वारा फेंके गए पर्चे में उल्लेख है कि 12 सितंबर को धनिया जोन के जंगल से बादल रातों रात अपनी काराना हरकतों के कारण फरार हो गया था, जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। पर्चे में डाबरी के दहियान टोला निवासी हीरालाल टेकाम का भी जिक्र है। किसान विरोधी बिल और युवा कांग्रेस महासचिव भैया पवार, बंटी शेल के और युवा कांग्रेस पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई साथियों के द्वारा बालाघाट के हनुमान चौक पर किसान विरोधी और युवा विरोधी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। सिर्फ यही सवाल करना चाहती है युवक कांग्रेस, पूरे देश की युवक कांग्रेस, नरेंद्र मोदी सरकार की, भ्रष्ट सरकार की। 3 किसान विरोधी बिल जो उन्होंने लाए उसके सम्मान में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में बंटी सिंह के, भैया जी पवार और हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, इनने ट्रैक्टर जलाकर सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया, तो उनको क्या तिहाड़ जेल भेज देंगे? मेरा नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के कंस मामा, दोनों शकुनी और कंस मामाओं से नम्र आवाज में विरोध है कि अगर आज हमारी आवाज सुनी नहीं गई, हमारे साथियों को अगर छोड़ा नहीं गया, तो ये उग्र आंदोलन मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए। और अगर अभी भी आप नहीं चेते मामा, और शकुनी मामा, कंस मामा, दो ही मामा है पूरे हिंदुस्तान में विश्वविख्यात, जिन्होंने अपने भांजियों के साथ अत्याचार किए, ऐसे मामाओं को मैं आगाह करना चाहता हूँ बालाघाट यूथ कांग्रेस के माध्यम से कि अगर नहीं जागे और किसान और युवा विरोधी बने रहे, तो ये प्रदर्शन हर जगह जारी रहेगा निरंतर। अभी पुतला दहन किसका किया गया? नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया हमने, शकुनी मामा। और क्या मांग करते हैं? मांग बस यही करते हैं कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, उन पर कोई धारा ना लगाई जाए। वो क्या तिहाड़ जेल में रहने लायक लोग हैं? एक राष्ट्रीय महासचिव, एक राष्ट्रीय सचिव, एक राष्ट्रीय प्रभारी, ऐसे लोगों की अगर हम अगर ऐसे लोगों पर बर्बरतापूर्ण अपराध दर्ज किए गए,
और अपराध दर्ज करने के बाद इनको तिहाड़ जेल भेजा गया। हमारी निवेदन है, नम्र आवाज में निवेदन और कठोर आवाज में निवेदन है कि इन पे सारे केस वापस लिए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आय और अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आय और अमृत हर्बल टी। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित गुजरात स्वीट्स से लेकर विश्राम गृह तक की सड़ांध इमारती बदबूदार नाली को साफ सफाई गुजरात स्वीट्स के संचालक चेतन जैन द्वारा जागरूकता का परिचय देते हुए स्वयं के खर्चे से की गई, लेकिन नाली से निकला उक्त मलबा आने जाने वाले रहवासियों और स्थानीय दुकानदारों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम भांडा मूरी में एक पति ने अपनी ही पत्नी को धारदार हमलियात से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि भंडा मुर्री निवासी सुनीता पति अरविंद मरठे का उसके पति अरविंद के साथ विवाद होने पर उसके सिर पर और गले पर गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवेली की प्रभारी सरपंच को पद से पृथक करने की मांग को लेकर पंचों सहित ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेखित कर बताया गया है कि ग्राम पंचायत भरवेली की वार्ड पंच हैं, जो सरपंच रेखा सरवारी द्वारा ग्राम में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य, गुणवत्ता विहीन, अमानक स्तर के कराए गए हैं, जिनकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा समय समय पर की गई, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में नियमित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन आगामी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2020 तक की अवधि में किया जाना है। उक्ताशय की जानकारी शासकीय स्नातक महाविद्यालय प्रचार सुरेंद्र कुमार खंडियात ने देते हुए बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन के लिए समय सारणी छात्रों को सूचनार्थ उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्रसारित की जा चुकी है। महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त नियमित छात्र छात्राएं अपने विषय शिक्षक के संपर्क में रहते हुए ऑनलाइन कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।